हेलो फ्रेंड नमस्कार, मैं उमेर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं सैलरी स्लिप, मई मंथ की सैलरी। और इस वीडियो में आपको यह भी बताने वाला हूं कि जो नए छात्र भर्ती हुए हैं रेलवे में, जो नए एम्प्लॉय भर्ती हुए हैं, उनकी सैलरी आई है या नहीं आई है, किसकी आई है किसकी नहीं आई है और कितनी उनकी सैलरी इस समय बनी है। तो ये सारी चीज मैं आपको डिटेल से इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, तभी आपके सारे डाउट क्लियर हो पाएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी ही जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको अपनी सैलरी स्लिप दिखा देता हूं। अब सैलरी मिल रही है, क्या क्या मिल रहा है और क्या क्या नहीं मिल रहा है, डीए कितना परसेंट मिल रहा है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से दिखाता हूं। तो देखिए आप देख सकते हैं जून 2023 की ये मेरी सैलरी है, यानी कि जून 30 को खत्म होता है जून का महीना और 30 तारीख को सुबह को ही सैलरी आ गई थी। देखिए रेलवे का एक नियम है, अगर आपने किसी महीने की 5 तारीख तक अगर आपने ड्यूटी की है तो आपको उस महीने की पूरी सैलरी दी जाएगी, चाहे आप 5 तारीख के बाद में परमानेंट एबसेंट रहते हैं, लेकिन उस महीने की आपको पूरी सैलरी दी जाएगी। लेकिन जो सैलरी कट होगी आपकी, जो आपको एक्स्ट्रा पैसे दे दिए गए हैं एबसेंट के, वो अगले महीने कट करके आते हैं। तो ये रेलवे का नियम है कि जो सैलरी है एक महीने पहले ही आ जाते हैं, यानी कि एक महीने एडवांस की रेलवे सैलरी देता है। तो देखिए आप देख सकते हैं ओमी सिंह मेरा ही नाम, सब कुछ यहाँ पर देखिए, आधार कार्ड वगैरह पूरा बायो डाटा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, जो भी कुछ होता है, आप रिटायरमेंट कब होंगे, आपकी ज्वाइनिंग कब होगी, वो सब कुछ यहाँ पर आपका मेंशन रहता है। इसके बाद में आप देख सकते हैं लीव बैलेंस, यानी कि आपकी जो छुट्टियां होती हैं कितनी बची हुई हैं। तो देखिए मेरी जो ज्वाइनिंग है 2019 की ज्वाइनिंग है, यानी 2018 वाला जो बैच था, 2018 में वैकेंसी निकली थी, तो मेरी जो ज्वाइनिंग हुई थी, तो आप देख सकते हैं कि 111 लीव, यानी कि एलएपी 111, अभी मेरी 111 छुट्टी और बची हुई है, यानी कि मैंने छुट्टियां इतनी कम ली हैं। देखिए जितनी रेलवे छुट्टी देता है उससे कम मैंने छुट्टी ली है, इसलिए यहाँ मेरा जो बैलेंस है छुट्टियों का 111 हो चुका है। तो देखिए अब देखिए मुझे क्या क्या मिलता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं ड्यूटी डेज 30 डे का है, यानी कि 30 दिन का महीना था तो 30 दिन का यहाँ पर पैसा दिया गया है। और देखिए 31 दिन का महीना होता है तो यहाँ पर 31 होता है। और यहाँ देख सकते हैं ग्रॉस भी मेरी बनी है 36,458 रुपये बनी है। मेरा जो बेसिक है 19,700 है, यानी कि आपका जो बेसिक होगा वो 18,000 होगा। मेरा 3 बार इंक्रीमेंट लग चुका है तो यहाँ पर इतना बेसिक हो चुका है। तो यहाँ पर डीए दिया जाता है, यानी कि डीएनएस अलाउंस, जो कि 42% चल रहा है फिलहाल में। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है, यानी कि साइकिल के लिए आपको 1278 रुपए दिए जाते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं गेट कीपर, यानी कि स्पेशल पे, तो मैं देखिए गेटमैन हूँ तो मुझे यहाँ, अगर देखिए आप ट्रैकमैन है और फिर गेटमैन बन जाते हैं तो आपको 1,000 रुपए और दिए जाते हैं। इसके बाद में देखिए नाइट ड्यूटी अलाउंस, अगर आप नाइट करते हैं तो आपको लगभग 150 रुपए पर नाइट के हिसाब से दिए जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे 2238 रुपए इस महीने मेरे नाइट के बने हैं। और देखिए नेशनल होलीडे, अगर किसी महीने नेशनल होलीडे पड़ते हैं और उस दिन आप ड्यूटी करते हैं तो वहां पर आपको 384 रुपए पर नेशनल होलीडे के हिसाब से आपको दिए जाते हैं। इस महीने में 2 थे तो मेरे 778 रुपए इस महीने बन गए हैं। इसके बाद में देखिए मेरा मेडिकल हुआ था तो मैं मेडिकल के लिए मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा, यानी कि अपने स्टेशन से अलग जाना पड़ा, मुरादाबाद जाना पड़ा, यहाँ डिवीजन है मुझे वहां जाना पड़ा। तो उसके लिए देखिए आपका ट्रेवलिंग अलाउंस बन जाता है, यानी कि आपका टीए बन जाता है, आप कहीं अपने स्टेशन से अगर बाहर जा रहे हैं किसी रेलवे के ही काम से तो वहां पर आपको 500 रुपए पर डे के हिसाब से दिया जाता है। और देखिए यहाँ पर रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, ये 2700 रुपये आपको दिया जाता है। फिर कुछ कटौतियाँ भी होती हैं, देखिए यहाँ कुछ कटौतियाँ हैं, जो मेरी कटौतियाँ हैं, ये जो आपकी कटौतियाँ होंगी ये होंगी आपका जब एनपीएस अकाउंट ओपन हो जाएगा तब आपकी ये कटौतियाँ होंगी। लेकिन 2-3 महीने आपका जो नए भर्ती हुए हैं उनका एनपीएस अकाउंट ओपन नहीं हो पाएगा तो उनको 2-3 महीने पूरी सैलरी दी जाएगी। तो ये सब कुछ है यहाँ पर। इसके बाद में देखिए जो नेट पे जो मेरा बना है, यानी कि सैलरी कटने के बाद में जो बना है वो बना है 33,434 रुपये। अब देखिए आपको मैं बता दूँ जो नए छात्र हैं उनकी किस किस की सैलरी आई है और किस किस की सैलरी नहीं आई है। देखिए यहाँ हमारे यहाँ स्टेशन पर भी कुछ नए लड़के आए हुए और सेक्शन में भी काफी, यानी कि हर स्टेशन पर नए लड़कों की भर्ती हुई है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि किस किस की सैलरी आई है। तो देखिए हमारे यहाँ भी 3-4 बंदे आए हुए थे तो उनकी किसी की भी सैलरी नहीं आई है, जबकि उनकी जो ज्वाइनिंग थी 5 तारीख से पहले हुई थी, यानी कि उनकी जो ज्वाइनिंग थी वो जून मंथ में, यानी कि 25 जून के बाद ज्वाइनिंग हुई थी, 25-30 के बीच में ज्वाइनिंग हुई थी, तो उनकी सैलरी नहीं बनी। और देखिए जैसे हमारा सेक्शन लगता है और हम दूसरे सेक्शन में चले जाएं
तो वहां पर जिन लड़कों तो उनकी सैलरी आ गई है। तो देखिए मैंने कई लड़कों से बात की तो कुछ कह रहे थे हमारी सैलरी नहीं आई है, कुछ कह रहे थे हमारी सैलरी आ गई है। तो देखिए ये डिपेंड करता है आपका जो मेन ऑफिस होता है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से काम करते हैं, जल्दी करते हैं या फिर लेट करते हैं। तो देखिए हमारे सेक्शन में तो सैलरी नहीं आई है लेकिन दूसरे सेक्शन में सैलरी आ गई है। पूरे भारत में बहुत से लड़कों की सैलरी आ गई है और बहुत से लड़कों की सैलरी नहीं आई है, लेकिन जिन लड़कों की सैलरी नहीं आई है उनकी सैलरी अगले मंथ यानी कि अगले महीने 100% आ जाएगी। तो मेरे से एक लड़के ने पूछा कि हमारी सैलरी नहीं आई है, बहुत दिक्कत हो रही है। तो मैंने उनको जवाब दिया कि कोई दिक्कत नहीं, आपकी सैलरी नहीं आई है तो आपकी सैलरी अगले महीने आ जाएगी। इस महीने आपकी जो सैलरी 30,000 के आसपास आनी थी, अगले महीने लग करके वो 60,000 रुपए आ जाएगी, तो आपको तो फायदा ही होगा। फिर वो लड़का बोला कि हमारे पास उस खर्चे के लिए पैसे नहीं है। फिर मैंने उनको जवाब दिया कि आप एक महीने के लिए पैसे किसी से ले लो या घर वालों से ले लो और उससे आप काम चला लो, और देखिए आपको एक फायदा होगा। क्या फायदा होगा? वो फायदा ये होगा कि आप किसी से पैसे लेते हैं तो आप खर्चा कम करेंगे। अगर आपकी सैलरी आ जाती तो आप खर्चा ज़्यादा करते क्योंकि आपकी पहली सैलरी आती और आप फिर खूब बढ़ाते पैसों को। तो देखिए आपकी सैलरी नहीं आई है तो आप कम खर्चा करेंगे, लेकिन जब आपकी अगले महीने सैलरी आएगी, दो महीने की एक साथ सैलरी आएगी, तो आपकी सैलरी लगभग 60,000 आएगी, तो आप फिर ज़्यादा भी खर्च करेंगे तब भी आपके अकाउंट में पैसा रह जाएगा, यानी कि तुम इतने पैसे खर्च नहीं कर पाओगे। खर्च करने के लिए तो देखिए बहुत सारे कितने भी पैसे हैं वो भी हो जाते हैं। तो देखिए जो अगले महीने जो सैलरी आएगी आपकी 60,000 के आसपास, तो वो एक साथ आ जाएगी, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि इस महीने मेरी पहली सैलरी इतनी आई है, और आप किसी को वो दिखा भी सकते हैं कि पहले महीने की सैलरी मेरी इतनी आई है। क्योंकि देखिए पिछली बार जब भर्ती हुई थी, जब कोई भी डालता है कि मेरी फर्स्ट सैलरी 70,000, फर्स्ट सैलरी 80,000, वो इसी तरह से सैलरी आती है, क्योंकि आपकी शुरू में पहले महीने सैलरी नहीं आती है, फिर दो महीने की या डेढ़ महीने की आपकी एक साथ आती है, तो आपको इतना सारा पैसा एक साथ दे दिया जाता है। तो आप कोई भी टेंशन लेने की किसी को कोई जरूरत नहीं। तो आपकी सैलरी लेट है लेकिन आएगी जरूर, 100% आएगी, आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आपकी सैलरी आज की, देखिए नए छात्र हैं उनको जो सैलरी मिल रही है लगभग 30,000 के आसपास मिल रही है सैलरी। देखिए किसी का टीए बनना है तो उसकी 32-33 पहुंच जा रही है और किसी की 28-29 भी रह जा रही है। तो देखिए लमसम अगर मान के चला तो 30,000 के आसपास आपकी सैलरी पहली फर्स्ट सैलरी बन रही है। और देखिए जैसे ही मुझे किसी की सैलरी स्लिप मिलती है तो मैं नए जो भी नए छात्र होंगे मैं आपको वो सैलरी स्लिप आपको दिखा दूंगा कि उनको क्या क्या मिला है, क्या क्या नहीं मिला है, तो वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।